বিজেপি নেতার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। আহত নেতার নাম রাজু যাদব, তিনি বিজেপি কুলটি মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ তোলেন, কুলটি থানার বড়াকর ফাঁড়ির পুলিশ তার বাড়িতে তল্লাশির নামে তাণ্ডব চালায় এবং মহিলাদের নিগ্রহ করে। বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় অভিযোগ তোলেন, কোনো মহিলা পুলিশ ছাড়াই বাড়ির মহিলাদের গায়ে হাত দেওয়ার পাশাপাশি হেনস্থা করে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী। ঘটনার কথা জানতে পেরে রাজুর বাড়িতে যান আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়। নিগৃহীত মহিলাদের সাথে করে থানা ঘেরাও করে প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় এবং যাবতীয় ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। সারা পৃথিবীর মানুষ আছে যার জন্য, তোমার মতো নিজ নরকের কিনে কোনো শ্রদ্ধার দরকার নেই আমার। এতগুলো মহিলাকে বাড়িতে গিয়ে মা বায়না গালি করে এসছো, তোমার থেকে আমি শ্রদ্ধা চাই? কে তুমি শ্রদ্ধা করবে আমাকে? কে শ্রদ্ধা করবে? তুমি তোমার মাকে গিয়ে দেখাবো এগুলো ভিডিও গুলো? তোমার থেকে শ্রদ্ধা? ইন লোক কাজ সাজিশ হ্যাঁ শবে বারাত কে শবে বারাত কি রাত মে जो है इस तरीके का दहशतगर्दी करे। और ये रविन्द्रनाथ दलुई और जो हमने जो जो औरतें इतने सारे 50 औरत आज रात को आए हैं, ये सारी चीजें वीडियो के सामने कह दिया है। कैसे उनको थप्पड़ मारा है, कोई महिला पुलिस नहीं थी, कैसे कपड़े फाड़े हैं, कैसे गंदी गंदी बातें की है, गंदी गाली दी है। ये सब तृणमूल के पास बिके हुए नपुंसक पुलिस ऑफिसर है। ये सब जो है ना, ये मतलब इसको हम इंग्लिश में कितनी भी गाली दे, हिंदी में भी कितनी गाली दे वो कम है। हाँ, तो यहाँ पे हमने सबको संभाल के जो है लेके आए, अलग रास्ते से लेके आए, क्योंकि आज शबे बारात का दिन है। हम किसी भी तरीके का अनरेस्ट चाहते भी नहीं है और हम किसी भी तरीके से किसी को मौका नहीं देंगे कि वो कहें कि हम किसी भी तरीके का सांप्रदायिक तनाव करने की हमने कोशिश की। सबको अलग रास्ते से लेके आए, सब शांति से आए, कोई नारेबाजी नहीं हुई। और जिस तरीके से एक माँ जिसके दो ट्विन बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जिस तरीके से गाली दिया, हमारे प्रधानमंत्री के नाम लेके जिस तरीके की गंदी गाली दी है और विदाउट प्रोवोकेशन वो सारे जो है, सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो में रिकॉर्ड किया है हमने, सारे लोगों ने किया है। और वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। और अभी इस वक्त जो है हम जो इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, वो सारे जो पुलिस के ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं कलकत्ता में जो बैठते हैं, वो सारे लोगों को इसके कॉपी हम भेज रहे हैं, वीडियोज भी भेज रहे हैं। इसके आगे जो है हम कानूनी कदम लेंगे। इस तरीके का दहशतगर्दी एक महिला मुख्यमंत्री इस राज्य का है कहते हुए भी घिन आती है। जिस तरीके का शब्द यूज किया गया है, घिन आती है। अगर हम इन लोगों को नहीं रोक लेते तो आज रात को अफरा तफरी मच गई होती, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ऐसे माइनॉरिटी के ऑफिसर को भेजा है कि ये किसी के लिए इन्फ्यूरिएट करने के लिए बहुत काफी है। अगर आप जानबूझ के इस तरीके का घर पे, बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पे रोज यही चीज हो रहा है। इन्हीं के घर पे परसों 200 लोग गए थे, 8-12 गाड़ी, कितने गाड़ी गए थे बोल रहे थे, 10-12 गाड़ी गए थे परसों। यही काम किया गया था। जो ये क्षमता के जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसको हम कानूनी तौर पे इसको वो झेलेंगे। और सारा चीजें रिकॉर्ड हो गया, हम जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और हमने सारी चीजें जो है, सारे दस्तावेज जो है। आसानसोल थेके मिलन सूत्र धरे रिपोर्ट, आनंद वार्ता।